the jay सभी को जय हिंद और नमस्कार मैं बिट्टू जैसाल डेवी नेशनल मेडलिस्ट डिप्लोमा इन फिटनेस एंड टू टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक पार्टिसिपेंट पार्टिसपेंट तो आपसी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल और आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल झारखंड रनर बिट्टू में आप सभी का जिस तरह से डिमांड था कि सर रनिंग शूज के बारे में बताइए कोई अच्छा कंपनी बताइए जो ट्रस्टेड हो और जो आप यूज करते हो आज मैं आप सभी को एक बेहतरीन शूज कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे यूज करते हो तो आप बार बार इस शूज को मंगाओगे तो उस शूज का नाम है एशियन सबसे पहला जो शूज हमारे सामने आता है वो ये है जो मेन्स के लिए है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी जाके आप बाय कर सकते हैं इसकी जो प्राइस रहती है वो कभी अप और कभी डाउन चलते रहती है आप सभी को वहां पे ऑफर मिलते रहेगा अगर आप 1600 मीटर रनिंग करते हैं 100 मीटर रनिंग करते हैं या फिर आप कोई गेम खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं तो आप इस शूज को बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बाय कर सकते हैं ये शूज का जो क्वालिटी अब मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को ध्यान से सुनना है सबसे पहले बात करेंगे इसकी ग्रिपिंग के बारे में इसकी जो ग्रिपिंग है ये बहुत ही कमाल की ग्रिपिंग है चाहे रोड में रनिंग कर रहे हो या फिर ग्रास में रनिंग कर रहे हो या फिर आप मड में रनिंग कर रहे हो ये कमाल की आपको ग्रिपिंग देती है दूसरी बात आती है इसकी कुशन के बारे में जो इसकी कुशन है वो लाजवाब है बहुत सारे रनर को रनिंग करते हैं उसमें सीन पेन होती है वो क्यों होती है कि जूता का कुशन हार्ड होने के कारण होता है लेकिन इसका जो कुशन है बहुत ही फ्लेक्सीबल है बहुत ही लचीलापन है वही बात करेंगे अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जूते की फ्लेक्सीबिलिटी के बारे में वो काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल है जो ये ऊपर जो लेयर बनाई गई है मतलब इसका जो ये कपड़ा दिया गया है आप भी सोच रहे होंगे ये फट जाएगा रनिंग करते समय इसमें यहाँ पे स्ट्रेच मार्क आ जाएगा लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है अगर आप इस शूज को बाय करते हैं तो इसकी जो ऊपर की ये कपड़े हैं, ये काफी लाजवाब है और काफी ट्रस्टेड शूज है और काफी फ्लेक्सिबल और काफी ज्यादा अच्छा शूज है चाहे आप लॉन्ग रनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीड रनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आप इस शूज को बाय करना चाहते हैं तो जरूर जाइए और बाय कीजिए साथ ही इसका एक बहुत बड़ा खासियत में और बहुत ही अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ क्या होता है कि रनिंग करते समय आपके एंकल पेन होती है क्यों होती है सबसे बड़ा कारण होता है उसका जूता का तो यहाँ पे ये जो जूता आप देख रहे हैं या एंकल के पास ये क्या होती है बहुत सारे जूते की ये टाइट होती है लोहे की तरह टाइट होती है और इसका जो कुशन बहुत हार्ड होता है जिसके कारण वो छिल भी जाती है और दूसरा क्या होता है पेन होने लगता है लेकिन इसका जो आप ये एंकल के पास फिनिशिंग देखेंगे ये काफी लचीलापन दिया गया है कुशन इसमें दिया गया है और ये बहुत फ्लेक्सीबल है आप देख सकते हैं बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाइए एशियन का यूज शूज है मेन्स का शूज है काफी अच्छा शूज है इसमें बहुत सारे वेरिएशन ऑफ कलर्स हैं आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं तो हमारा जो दूसरा शूज है एशियंस का वो एक मेंस के लिए है ये भी स्पोर्ट्स शूज है इसका जो कलर देखना है ये कलर व्हाइट है और भी इसमें कलर वेरिएशन आ जाएगी सबसे पहले इसकी भी बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं इसका जो क्वालिटी आप ग्रीप देख सकते हैं ये काफी लाजवाब ग्रीप है इसका ग्रीप मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया अगर आप क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं या रनिंग करते हैं स्पेशली ये रनिंग शूज है रनर के लिए बना हुआ है और एक एथलीट के लिए बना है एथलीट में सारे आ जाते हैं क्रिकेट से लेकर फुटबॉल से लेकर रनर तक अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी जो कुशन है इसकी बात करते हैं आप देख सकते हैं काफी अच्छा इसका कुशन दिया गया है साथ में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत लाजवाब है अब फिर यहाँ पे सोच रहे हैं कि इसका भी ये कपड़ा का दिया हुआ तो ये फट सकता है सर लेकिन ये बिल्कुल नहीं फटेगी काफी अच्छा इसका फिनिशिंग दिया हुआ है इसका जो कपड़ा है ये काफी अच्छी है साथ में क्या होता है कि बहुत सारे शूज क्या होते हैं बहुत पैक बने हुए रहते हैं और क्या होता है हमारा पैर गर्म होने लगता है ठीक है रनिंग करते समय पैर जलना वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो ये जो शूज का जो चारों बल कपड़ा दिया हुआ है इसमें गैप है जिसके कारण हवा जाते रहेगी रनिंग करते समय ठीक है जिससे आपको पसीना नहीं आएगा और पैर आपकी गर्म नहीं होगी वहीं बात करेंगे इसके अंदर की जो कुशन दी हुई है वो बहुत ही लाजवाब है ठीक है और इसमें थोड़ा इसका मोटा है ताकि आप जब इसे पहनेंगे तो ये एब्जॉर्ब करेगी आपकी हीट को कहीं आप ऐसे स्ट्राइक करते हैं फूड को तो रोड रनिंग वगैरह करते हैं तो रोड रनिंग वगैरह के लिए बहुत ही बेस्ट शूज है आप इसे बाय कर सकते हैं ये भी एशियंस का ही शूज़ है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं साथ में इसकी जो प्राइस है वो अप डाउन अप डाउन होती रहती है शूज को बाय करना चाहते हैं तो जाइए बाय कीजिए बहुत ही बेस्ट शूज़ है कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप सिर्फ लड़के के लिए बताते हैं लड़कियों के लिए कुछ नहीं बताते हैं तो आज मैं लड़कियों के लिए भी टिप्स लेके आया हूँ लड़कियों के लिए शूज लेकर आया हूँ जो आप बाय कर सकते हैं वो भी इसी कंपनी का तो गर्ल्स के लिए जो शूज़ है ये भी काफ़ी अच्छा शूज़ है लेकिन इसमें कुछ कुछ है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपसे इसकी क्वालिटीज इसकी प्राइस सारा कुछ आपको बताऊंगा तो जो गर्ल्स हैं जो अभी रनिंग स्टार्ट किए हुए हैं बहुत हाई लेवल के एथलीट नहीं है या फिर कोई वुमेंस है जो जॉगिंग वगैरह करना चाहती है या गर्ल्स वगैरह है जो रनिंग करना चाहती है जॉगिंग करना चाहती है या कोई गेम खेलती है तो आप इस शूज़ को बाय कर सकते हैं एशियंस का ये शूज़ है बहुत ही अच्छा शूज है अगर इसको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप जाके वहाँ पे बाय कर सकते हैं या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं इसकी क्वालिटीज की बात करें तो इसका जो ये ऊपर का ये कपड़ा दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है साथ में इसके जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छे है ठीक है और साथ में इसका अंदर का जो फॉर्म है वो भी लाजवाब है रनिंग करते समय क्या होता है बहुत सारे लड़कियों का क्या होता है ज़्यादातर सीन पेन होने लगता है तो अगर आप इस शूज़ को बाय करते हैं तो थोड़ा उसमें आपको हेल्प करेगी और सीन पेन को होने से रोकेगा साथ में इसके एंकल के पास जैसे पेन वगैरह होता है तो वो होने से बचाएगा क्योंकि इसकी एंकल की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है जिसके कारण आपके अंगुली वगैरह या एंकल वगैरह नहीं छिलेंगे अब वहीं बात करते हैं इसके ग्रिपिंग की तो ग्रिपिंग उतना बेस्ट नहीं है एज ए कम्पेयर टू मैन लेकिन ग्रिपिंग है फिर भी है अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं तो आपके लिए कम्फर्टेबल है साथ ही में ये शूज़ तो है लेकिन एशियंस में और भी कई सारे शूज़ हैं और भी आप अगर ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो उसमें गर्ल्स के लिए भी काफ़ी लाजवाब सब शूज़ हैं जिसकी ग्रिपिंग बहुत बेस्ट क्वालिटीज़ की है अगर आप इस शूज़ को बाय करना चाहते हैं लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन में जाइए बाय कीजिए जो गर्ल्स है वो इस शूज़ को बाय कीजिए अगर आप वुमेंस हैं या फिर आप जॉगिंग के लिए लेना चाहते हैं रनिंग के लिए लेना चाहते हैं या कोई गेम खेलने के लिए लेना चाहते हैं वार्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस सारे शूज़ को ज़रूर बाय कर सकते हैं तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं शूज के बारे में तो कोई भी अगर आप अनदर कंपनी का भी लेते हैं तो ये सारा चीज़ आपको चेक करना है कि उसका कुशन कैसा है उसका फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है उसका जो कपड़ा का फिनिशिंग है वो कैसा है एंकल के पास ग्रिप कैसा है तो ये सभी चीज़ आपको चेक करना अगर आप कोई भी कंपनी का बाय कर, करते हैं तो लेकिन मैं बताना चाहूंगा अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो तो आप जरूर एशियंस का शूज़ इस्तेमाल करें मैंने पहले भी वीडियो पे बताया हुआ था कि आप एशियंस का शूज़ ले सकते हैं साथ ही में ये जो शूज है ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट है अगर आप इसे बाय करते हैं तो आप कम पैसे में एक अच्छे रनिंग शूज़ ले सकते हैं ठीक है तो बाय करने के लिए लिंक और डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से बाय कीजिए अगर आपको ओरिजिनल शूज लेना है तो ठीक है तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके और इसी तरह के अच्छे अच्छे अपडेट और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मेरे सामने अभी भी सब्सक्राइब कीजिए जो लाल वाले घंटी जब दिख रहे हैं उसे जाके हिट कीजिए और जो बेल आइकन आता है उसे जाकर क्लिक कि कीजिए और क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरा कोई भी वीडियो आने तक क्योंकि अभी बहुत ही लाजवाब से वीडियो आना बाकी है इसीलिए चैनल पर बने रहिए जय हिंद